गोल्जी कॉम्प्लेक्स या डिप्टियोसोम्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोकेटिक सेल्स को छोड़कर सभी यूकेटिक सेल्स में पाया जाने वाला सेल ऑर्गन है, जिसका मुख्य कार्य है स्त्रवण करना। जिसका मुख्य कार्य है स्त्रवण करना। गोल्जी कॉम्प्लेक्स यूकेटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबद्ध चपटी थेली नुमा जो समूह के रूप में पाई जाती है तथा झिल्लियों द्वारा निर्मित होती है, जिनमें द्रव भरा रहता है। इन संरचनाओं को गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज सर्वप्रथम एल सेंट जोस ने की। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एल सेंट जियोर्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज एल सेंट जियोर्स ने की थी। केमिलो गोल्जी ने इन्हें इन संरचनाओं को तंत्रिका कोशिकाओं में देखा। उनके नाम पर इन्हें गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तंत्रिका कोशिकाओं में इन्हीं के नाम पर इसका नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स रखा गया है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स रखा गया है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स यूकेटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबद्ध थैलीनुमा संरचनाएं जो समूह में पाई जाती है तथा झिल्लियों द्वारा निर्मित होती है, जिनमें द्रव भरा रहता है। इन संरचनाओं को गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा गया है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स यूकेटिक सेल्स साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबद्ध चपटी थेलिनोमा जो समूह में पाई जाती है तथा झिल्लियों द्वारा निर्मित होती है। इन संरचनाओं को गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा गया है।
प्लांट समूह जैसे फंगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड वैस्कुलर प्लांट्स की सीव ट्यूब्स में चालने नलिकाओं की सेल्स में इन संरचनाओं को डिक्टियोसोम्स कहा गया है, डिक्टियोसोम्स कहते हैं। अब आप करेंगे इसकी संरचना की, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स की संरचना कैसी होती है। गॉल्जी कॉम्प्लेक्स की संरचना तस्त्रीनुमा होती है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो संरचना दिखाई दे रही है तस्त्रीनुमा। इसकी संरचना में निम्न भाग होते हैं, इसकी संरचना में निम्न भाग है, फर्स्ट है इसकी संरचना है तस्त्रीनुमा, इसकी संरचना तस्त्रीनुमा होती है। इसकी संरचना में निम्न भाग है, प्लैटिनम सैक्स एंड सिस्टर्नी, क्लस्टर्स ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, सीक्रेटरी वेसिकल्स एंड गॉल्जियन वैक्यूलस। गॉल्जियन रिक्तिका है। अब बात करेंगे प्लैटिनम सैक और सिस्टर्नी की। फर्स्ट है प्लेटनेट सैक या सिस्टर्नी, ये नलिकाकार संरचनाएं सिस्टर्नी है, इनके सिरों के ऊपर वेसिकल्स जुड़ी हुई है, इनके सिरों के ऊपर वेसिकल्स जुड़ी हुई है। ये सिस्टर्नी नलिकाकार संरचनाएं होती है जो एक के ऊपर एक जमा होकर स्टेकनोमा संरचना बनाती है। इन सिस्टर्नी के मध्य जो दूरी होती है, स्पेस होता है, वो 200 से 300 एंगस्ट्रॉम अवकाश पाया जाता है। प्रत्येक सिस्टर्नी के बीच में जो स्पेस होता है, अवकाश होता है, वो 520 एंगस्ट्रॉम होता है, चौड़ा होता है। अब बात करते हैं प्लेटनेट सैक और सिस्टर्नी की। ये थेलीनुमा चपटी थेलीनुमा चपटी थेलीनुमा लंबी नलिकाकार द्रव से भरी हुई संरचनाएं होती है। इस संरचना में सिस्टर्नी की संख्या, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स में सिस्टर्नी की संख्या 4 से 7 हो सकती है। गॉल्जी कॉम्प्लेक्स में इनकी संख्या चार से सात होती है। प्रत्येक सिस्टर्नी, जो सिस्टर्नी दिखाई दे रही है नलिकाकार संरचना है, ये सिस्टर्नी है। प्रत्येक सिस्टर्नी दोहरी झिल्ली आबद्ध संरचनाएं होती है।
प्रत्येक सिस्टर्नी डबल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड रहती है। प्रत्येक सिस्टर्नी के बीच जो स्पेस है वो 520 एंगस्ट्रोम का अवकाश पाया जाता है। सिस्टर्नी के बीच व्यास का अवकाश या स्पेस पाया जाता है। प्रत्येक सिस्टर्नी के बीच में 200 से 300 एंगस्ट्रोम 200 से 300 एंगस्ट्रोम स्पेस पाया जाता है प्रत्येक सिस्टर्नी एक के ऊपर व्यवस्थित होकर स्ट्रेक नुमा संरचना बनाती है। अब बात करेंगे सेकंड वेसिकल्स की। सिस्टर्नी के सिरों के ऊपर वेसिकल्स पाई जाती है। सेकंड है क्लस्टर्स ऑफ ट्यूब्यूल्स। ये छोटी बूंदों के समान स्मॉल ड्रॉपलेट के समान संरचनाएं होती है जिनका व्यास 600 एंगस्ट्रॉम होता है। ये छोटी बूंदों के समान संरचनाएं होती है जिनका व्यास 600 होता है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स की उत्तल निर्माण सतह से संबद्ध होती है। तथा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व गोल्जी सिस्टर्नी के बीच पाई जाती है स्मूथ के बीच पाई जाती है। इनका निर्माण सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स के बडिंग द्वारा होता है
मुकुलन द्वारा होता है, बडिंग द्वारा होता है। सिस्टर्नी नलिकाओं से, सिस्टर्नी नलिकाओं से, सिस्टर्नी ट्यूब्यूल से दो प्रकार की वेसिकल्स जुड़ी हुई रहती है। अब बात करते हैं थायरॉइड का, सेक्रेटरी वेसिकल्स, स्रावी पुट्टिकाएं। सेकंड हो गया क्लस्टर ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, ये छोटी बूंदों के समान संरचनाएं होती है जो सिस्टर्नी के ऊपर लगी होती है, और इनका निर्माण सिस्टर्नी सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स के मुकुलन या बडिंग द्वारा होता है। सिस्टर्नी के अंतिम सिरों के ऊपर ये पाई जाती है। इनका व्यास 600 एंगस्ट्रॉम होता है। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स की उत्तर निर्माण सतह से सबमर्ड होती है तथा स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व गोल्जी सिस्टर्नी सिस्टर्नी के बीच पाई जाती है। इनका निर्माण इनका निर्माण सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स के बडिंग द्वारा होता है। सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स से दो प्रकार की वेसिकल्स जुड़ी हुई होती है। इससे पहले पढ़ा था अपन ने सिस्टर्नी ट्यूब्यूल, सिस्टर्नी ट्यूब्यूल से दो प्रकार की वेसिकल्स जुड़ी हुई होती है, वो है स्मूथ वेसिकल्स एंड रफ वेसिकल्स। सीक्रेटरी वेसिकल्स दो प्रकार की होती है, स्मूथ वेसिकल्स एंड रफ वेसिकल्स। अब बात करेंगे स्मूथ वेसिकल्स की, चिकनी पुट्टिकाएं, इनकी सतह चिकनी होती है, इनकी सतह स्मूथ होती है, इनकी सतह स्मूथ होती है। ये चपटी ये चपटी 20 से 80 म्यू व्यास वाली पुट्टिकाएं होती है, वेसिकल्स होती है, जिसमें स्रावी पदार्थ पाया जाता है, जिसमें स्रावी स्रावी पदार्थ पाया जाता है, स्रावी पदार्थ पाया जाता है, इसलिए इन्हें स्रावी पुट्टिकाएं कहते हैं, इसलिए इन्हें स्रावी पुट्टिकाएं कहते हैं। अब बात करते हैं रफ वेसिकल्स, इनकी सतह खुरदरी होती है, इनकी सतह रफ होती है, इनकी सरफेस रफ होती है, रफ होती है, इनकी सतह रफ होती है, जिनका व्यास 50 म्यू होता है। इनकी संरचना अनियमित गोलाकार होती है। ये गोलाकार अतिवृद्धियां
होती है, ये गोलाकार अतिवृद्धियां होती है। ये सिस्टनी के सिरों पर पाई जाती है, रफ वेसिकल्स सिस्टनी के सिरों के ऊपर पाई जाती है। स्रावी पुटिकाएं दो प्रकार की होती है, स्मूथ वेसिकल्स और रफ वेसिकल्स। स्मूथ वेसिकल्स, इनकी सतह स्मूथ होती है, ये चपटी 20 से 80 म्यू व्यास वाली होती है, जिसमें स्रावी पदार्थ पाया जाता है, इसलिए इन्हें स्रावी पुटिकाएं भी कहते हैं। बात करते हैं रफ वेसिकल्स की, इनकी सरफेस रफ होती है, इन जिनका व्यास 50 म्यू होता है, ये गोलाकार अतिवृद्धियां होती है, ये गोलाकार अतिवृद्धियां होती है जो सिस्टर्नी के सिरों पर पाई जाती है। सिस्टर्नी के सिरों पर पाई जाती है। अब बात करेंगे गॉल्जियन वैक्यूस की, गॉल्जियन वैक्यूस की। गॉल्जियन वैक्यूस, गॉल्जियन रिक्तिकाएं, ये बड़े थैले जैसी अनियमित ग्रंथि संरचनाएं होती है, अनियमित ग्रंथि संरचनाएं होती है, ग्रंथि संरचनाएं होती है जो गोल्जी बॉडी के परिपक्व मैच्योर फेस की तरफ पाई जाती है। इनका निर्माण, गोल्जी वैक्यूस का निर्माण सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स के विस्तार या विस्तार से वेसिकल्स के कंफ्यूजन से होता है। गोल्जियन वैक्यूलस का निर्माण सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स के विस्तार तथा वेसिकल्स के फ्यूजन से होता है। गोल्जिन वैक्यूलस का निर्माण वेसिकल सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स के विस्तार तथा वेसिकल्स के फ्यूजन से होता है तथा वेसिकल्स के फ्यूजन से होता है वेसिकल्स के फ्यूजन से होता है फ्यूजन से होता है फ्यूजन से होता है गोल्जियन वैक्यूलस ये बड़े थैले जैसी एनेमिक ग्रंथि संरचनाएं होती है जो गोल्जी बॉडी के मैच्योर फेस की तरह पाई जाती है। गोल्जी वैक्यूलस का निर्माण सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स के विस्तार तथा वेसिकल्स के फ्यूजन से होता है। अब बात करेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन की, कार्यों की, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, पहला है
फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मुख्य कार्य है श्रवण करना एवं परिवहन में सहायता करना, पदार्थों के परिवहन में या पदार्थों के परिवहन तथा श्रवण में सहायता करना। सेकंड है हेल्प इन एंजाइम फॉर्मेशन। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोन्स। फोर्थ है स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। फिफ्थ है फॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल वॉल। सिक्स है एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स, सेवन है फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, हेल्प इन एंजाइम फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स, फॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल वॉल, एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, सेवंथ है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म्स।